स्कैम का अमाउंट इतना बड़ा है कि अगर आप इसे कैलकुलेटर पर टाइप करेंगे तो एरर दिखाएगा। स्कैम का साइज इतना बड़ा है कि इसके सामने सत्यम स्कैम, 2G स्कैम, कोल स्कैम भी ये सुनने पर मजबूर हो जाएंगे। छोटी बच्चे हो क्या? ये स्कैम हुआ है वियतनाम में, जहां पर एक प्रॉपर्टी डेवलपर ने यह स्कैम किया है। तो इस स्कैम का साइज कितना है? 216000000। इतना नहीं, एक और जीरो और उसके सामने एक और जीरो लगा दीजिए और उसके सामने एक और जीरो। कुल मिलाकर 216000 करोड़ का ये स्कैम है, 216000 करोड़ का। देखिए, मैं पिछले 7 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन इतनी बड़े वॉल्यूम का, इतने बड़े अमाउंट का स्कैम मैंने पहली बार देखा है जो प्रूव हो गया है। और सिर्फ स्कैम का साइज ही नहीं, इसकी स्टोरी भी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि कोई भी बड़े आसानी से 2-2.5 घंटे की मूवी इस पर बना सकता है। लेकिन अगले कुछ ही मिनटों में मैं आपको डिटेल में इस स्टोरी को बताने वाला हूँ, तो एंड तक ज़रूर देखिए। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो इस प्रॉपर्टी डेवलपर का नाम है ट्राउंग मिलान, और ट्राउंग मिलान का जो जन्म है वो वियतनाम के एक सिटी होची मिन में हुआ था, जिसका पहला नाम, इस सिटी का जो पहला नाम था वो था साइगॉन। उस टाइम की अगर मैं बात करूँ तो वियतनाम एक बहुत गरीब कंट्री हुआ करती थी। अभी भी उतनी ज़्यादा मतलब डेवलप नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी बेटर हुई है कंपेयर टू 80s से। उस टाइम लान की जो फैमिली थी वो भी काफ़ी गरीब थी। उसकी माँ चाय का स्टॉल चलाती थी और लान भी वहाँ पर जाकर चाय बेचती थी, अपनी माँ को मदद करती थी और वहाँ पर अपने कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी बेचती थी। पहले से ही वो इंटेलिजेंट थी, बिजनेस सेंस अच्छा था और वहाँ पर अच्छे खासे कॉस्मेटिक्स भी वो बेचा करती थी ताकि उनकी फैमिली 2 वक्त की रोटी खा पाए। बात है 1980s की, ज़्यादातर जो रियल इस्टेट वहाँ पर थी इट वॉज कंट्रोल्ड बाई गवर्नमेंट। प्राइवेट कंपनीज को अलाउ नहीं था कि वो जाकर वहाँ पर प्रॉपर्टीज खरीद सकें। गवर्नमेंट बदल गई, लेकिन गवर्नमेंट ने आगे चलकर कुछ रिफॉर्म्स लाए। रिफॉर्म्स क्या थे कि अब कोई भी प्राइवेट कंपनी लैंड ले सकती है, लोग भी वो लैंड परचेस कर सकते हैं, और इसके साथ कुछ बैंकिंग रिफॉर्म्स भी आए जहाँ पर बैंक भी आसानी से कंपनीज को और इंडिविजुअल्स को लोन देगी ताकि वो प्रॉपर्टीज खरीद पाए। अब इसकी वजह से अचानक जहाँ पर रियल एस्टेट में जाने को सबको मना था, अचानक से ओपन हो गया गेट, भीड़ बढ़ गई, लोग तेजी से वहाँ पर जाने लगे, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रही थी। वियतनाम में करप्शन लंबे टाइम से बहुत ज्यादा चल रही थी, तो लोगों ने एक सोल्यूशन निकाला। सोल्यूशन ये था कि बैंक के जो लोग हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनको हम कुछ घूस देते हैं, ब्राइब देते हैं और उनसे फिर लोन हम पास करवा लेते हैं, फिर उस लोन से हम लैंड ले लेते हैं, उस लैंड को फिर जैसे क्योंकि प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रही है तो ज़्यादा प्राइस पर बेचकर लोन का पैसा चुकाकर अपना पैसा बना लेंगे। और ये बहुत सारे लोग कर रहे थे और उसे बहुत सारा पैसा भी कमा रहे थे। उसमें से एक थी ट्राउंग मिलान, उन्होंने भी इस पूरे जो बबल था उससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया रियल इस्टेट में। और लान ने इतना पैसा तो कमा लिया था कि एक खुशहाल जिंदगी, एक अच्छी लाइफ स्टाइल वो जी पाए। लेकिन लान को बनना था और ज़्यादा अमीर, और इसीलिए लान ने सोचा कि ये जो करंट मॉडल है ये स्केलेबल नहीं है। मतलब क्या है कि आप घुस दे रहे हो, आपका कमीशन गया, इंटरेस्ट पर लोन ले रहे हो, लोन से मार्जिन कमा रहे हो थोड़ी बहुत, तो इसमें बहुत सारे हर्डल हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट भी देना है, ऊपर से घुस भी देनी है, तो हमारे लिए क्या बचेगा? तो इसलिए लान ने सोचा कि इसका स्केलेबल मॉडल क्या हो सकता है। आप बताइए, अगर आप लान की जगह होते तो इसका स्केलेबल मॉडल क्या होता? शायद आप बैंक के और जो ऊपर वाले एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके पास रीच आउट करते कि ज़्यादा लोन मुझे दो ताकि मैं ज़्यादा प्रॉपर्टीज खरीदूँ अपने बिजनेस को, या फिर ये जो प्रोसेस है इसको मैं और बढ़ा सकूं। शायद आप पॉलिटिशियंस के पास चले जाते कि वो आपको बड़ा लोन देंगे फिर आप बड़ी प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं। ऐसे कुछ 3-4 सोल्यूशन हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन लान का दिमाग कुछ अलग ही लेवल का चल रहा था। लान मतलब क्रेजी थी। लान ने सोचा कि क्यों ना मैं बैंक ही बना लूं अपनी। अब बैंक अपनी होगी तो घुस देने की जरूरत नहीं है, जितना पैसा चाहिए उतना ले सकती हूं, कम इंटरेस्ट पे ले सकती हूं, तो उससे बिजनेस मेरा स्केल भी होगा और मुझे ज़्यादा पैसा देने की जरूरत नहीं, मेरी मार्जिन, बिजनेस मार्जिन भी बढ़ जाएगी। तो लान ने क्या किया, 3 छोटी बैंक्स को अक्वायर किया और उसका मिलाकर एक बैंक बना दी, बड़ी बैंक, जिसका नाम था साइगॉन कमर्शियल बैंक, SCB। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक शॉकिंग चीज़ बताना चाहता हूँ कि IRDAI जो कि इंडिया की इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है, उसने एक डेटा पब्लिश किया है। डेटा बहुत शॉकिंग है और वो ये है कि इंडिया के सिर्फ 4.2% लोगों के पास इंश्योरेंस है। अब देखिए, 2 इंश्योरेंसेस ऐसे हैं जो आप सभी को लेने चाहिए, एक हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरा प्लेन टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि लाइफ में कई बार अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है और उस रिस्क को हेज करने के लिए आपके पास ये 2 बेसिक इंश्योरेंसेस जरूर होने चाहिए। अगर आप इन्हें ऑनलाइन लेते हैं तो आपको 30% तक का डिस्काउंट मिलता है, और ऑनलाइन इंश्योरेंस खरीदने की बात आती है तो एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है पॉलिसी बाजार, जहां पर जाकर आप दर्जनों हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस प्लान्स को कंपेयर कर सकते हो और अपने लिए बेस्ट फिगर आउट कर सकते हो। इस बीच आपको कोई भी डाउट आता है तो उनकी टीम आपका डाउट सॉल्व करेगी, साथ ही उनके क्लेम सपोर्ट टीम भी है जो आपको क्लेम के टाइम मदद करती है। तो अभी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके अपने लिए एक बेस्ट हेल्थ और एक प्लेन टर्म इंश्योरेंस जरूर खरीदें। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में टर्म इंश्योरेंस ही खरीदिए,
जो आपको कम से कम प्राइस में मिलेगा कंपेयर टू अदर लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स जो आपको कई बार जबरदस्ती बेचे जाते हैं। और यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। नीचे जो भी दो लिंक्स दी गई है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में वो हमारी अफिलेटेड लिंक है। जब आप उसके जरिए कोई इंश्योरेंस खरीदते हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा हमारे पास आता है जो हमें इस तरह के वीडियोस बनाने में सपोर्ट करता है। तो जाते जाते अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और प्लेन टर्म इंश्योरेंस जरूर खरीदे, लिंक नीचे दी गई है। अब ऐसे भी शुरू करने के बाद शुरुआत के कुछ साल थोड़े टफ ही थे, उतने लोग आ नहीं रहे थे डिपॉजिट्स डालने के लिए, तो लान को लगा कि यार ये कैसे चलेगा। लेकिन इसी बीच लान ने थोड़ा पीआर पर फोकस किया और अपना पीआर उन्होंने बहुत सटीक तरीके से किया। पीआर ये था कि कैसे एक गरीब घर की लड़की एक बिलियनियर बन गई और वो आज एक बैंक चला रही है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ना कि सिर्फ हो ची मिन्ह सिटी के लिए बल्कि पूरे वियतनाम के लिए। और ये जो स्टोरी थी ये थोड़ी वायरल हो गई। वायरल होने के बाद लोगों का ट्रस्ट आया कि यार ये लड़की इतनी मेहनती है, नीचे से इतनी ऊपर गई है और जरूर ये इस चीज़ के तो काबिल है कि इस पर हम भरोसा कर पाए। लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में SCB में अपना पैसा रखना शुरू किया, डिपॉजिट करने लगे लोग, बहुत सारा पैसा वहां पर आने लगा। लेकिन लान का दिमाग है। अब वहां पर क्या था कि उस टाइम जो बैंक के रेगुलेशंस थे वियतनाम के, वो ये कहते थे कि कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति किसी बैंक में 5% से ज्यादा का स्टेक नहीं खरीद सकते। तो मैक्सिमम आपका 5% हो गया, लेकिन 5% में कंट्रोल तो नहीं आ रहा आपके पास। तो इसीलिए लान ने क्या किया, बहुत सारी शेल कंपनीज बनाई। अब ये शेल कंपनीज क्या होती है, ये कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो कुछ नहीं करती है, ये नाम की कंपनीज होती है बस लोगों को गुमराह करने के लिए। कई बार शेल कंपनीज किसी और लोगों के नाम पर बनाई जाती है ताकि असली में ये पता ही नहीं चल पाता कि कौन चला रहा है कंपनी। इसमें बस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, बिजनेस कुछ नहीं होता है, खाली कंपनी। तो यहाँ पर कई सारी शेल कंपनीज लान ने बनाई और उन कंपनीज के जरिए उसने SCB में स्टेक खरीदना शुरू किया। तो धीरे 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 करके 90% स्टेक लान के पास था, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब कंट्रोल तो अपने पास आ गया, अब तो हम पैसों का कुछ भी कर सकते हैं, ये तो बड़ा क्लियर। वो डायरेक्टर जो लोगों को लग रहे थे कि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, लान ने ही डिसाइड किया था, लान की जान पहचान वाले, लान ने ही बिठाए हुए लोग, सब कुछ अपना घर का चल रहा था। मुझे लगता है कि इंडिया के कई सारी जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो पिछले टाइम में फेल हुई है, उन्होंने भी कुछ इसी तरह का मोडस ऑपरेंडी किया था। कोई खुल के उसके बारे में बात नहीं करता क्योंकि पॉलिटिशियंस की बैंक्स होती है तो ज़्यादा बोल नहीं पाते और कई बार इन्हें पकड़ा भी नहीं जाता, तो इनका भी मोडस ऑपरेंडी यही होता है। और यहाँ पर लाने क्या किया, फिर उन्होंने शेल कंपनीज को बड़ा बड़ा लोन देना शुरू किया। लोन इतने बड़े बड़े थे कि काफ़ी सारा पैसा फिर जो भी लोगों के डिपॉजिट्स के जरिए आ रहा था वो उन शेल कंपनीज को जा रहा था। कितना पैसा शेल कंपनीज को दिया होगा, एनी गेसेस, $44 बिलियन, 3,00,000 करोड़ से भी ज़्यादा का पैसा वियतनाम जैसे कि छोटी सी कंट्री के एक बैंक ने शेल कंपनीज को ट्रांसफर किया। और अपने ड्राइवर को बोल के वो काफ़ी सारा कैश भी निकलवाती थी अलग से, कितनी कैश निकाली होगी, 36,000 करोड़ की। फिर अपने कुछ बेसमेंट में रखती थी, कुछ इधर उधर रखा उसने, बेसमेंट में काफ़ी सारी रखी थी और ये सब चल रहा था स्मूथली। तभी वहाँ की जो गवर्नमेंट है वियतनाम की, उन्होंने कैंपेन लाया एंटी करप्शन कि जो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपसे घुस मांग रहा है आप कंप्लेंट कीजिए, हम उसको जेल में डाल देंगे। और सही में जेल में डाल रहे थे, ये बहुत स्ट्रिक्टली चल रहा था। किसी ने सिंपल कंप्लेंट कर दी, चलो डाल दिया जेल में। तो बहुत अग्रेसिव थी गवर्नमेंट कि करप्शन पूरा ही निकालना है। और फिर इसी मामले में हज़ारों लोगों को जेल में डाला गया और एक पूरी वेव बन गई वियतनाम में कि कोई करप्शन कर रहा है तो उसका टिकना भी मुश्किल है। इसी बीच SCB बैंक के कुछ एक्स एम्प्लॉयज ने कुछ लोगों को इस चीज़ के बारे में बताया कि ट्रॉन्ग मिलान काफ़ी सारा पैसा बैंक से निकाल कर अपनी शेल कंपनीज को भेज रही है, क्योंकि ये सब उनके सामने ही हो रहा था। अब इसे सुनकर कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पर पोस्ट किया। अब ये पोस्ट कुछ ही दिनों में इतनी ज़्यादा वायरल हो गई कि हर कोई इसी बैंक की बात करने लगा। अब ये चीज़ सबसे ज़्यादा हॉरिबल किसके लिए थी, उन लोगों के लिए जिन्होंने भरोसा करके डिपॉजिट डाला था। अब जैसे ही लोगों ने ये पोस्ट देखी भाग कर चले गए SCB में, चलो मुझे अपना पैसा निकालना है। शुरुआत के जो लोग चले गए उनको तो पैसा मिल गया, बाद में लगभग हर डिपॉजिट होल्डर बैंक के पास जाने लगा। तो बैंक ने क्लियर स्टेटमेंट दे दिया कि देखिए हमारे पास इतना सारा पैसा है कि आप सभी को हम इजीली दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिक्विडिटी हमारी अच्छी है, लेकिन अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है, ट्रॉन्ग मिलान पर भी भरोसा नहीं है, तो आप पैसे निकाल लो। तो इन्होंने ऐसी मतलब रिवर्स साइकोलॉजी से ऐसी धमकी दी, लेकिन लोगों ने कुछ सुना नहीं, लोग चले गए। लोगों ने बोला यार हमारा पैसा हम निकाल लेते हैं, क्योंकि एलिगेशन बहुत स्ट्रांग है। लोग गए वहाँ पर, पैसा निकाल लिया, कुछ लोगों को तो मिला, लेकिन बैंक को बाद में हाथ खड़े करने पड़े और ये बोलना पड़ा कि हमारे पास अब उतना पैसा नहीं है कि हम आपको ये सारा पैसा दे पाए। बैंक ने बोला कि हम तो हो गए बैंकक्रप्ट। अब बैंकक्रप्ट होने के बाद फिर गवर्नमेंट एजेंसीज बीच में आई, तो $44 बिलियन में से लगभग $17 बिलियन तो सरकार ने रिकवर कर लिए, मतलब कुछ उनके बेसमेंट से निकाल लिए पैसे, कुछ शेल कंपनीज के अकाउंट से निकाल लिए, लेकिन फिर भी $27 बिलियन यानी लगभग 2,16,000 करोड़ रुपीज अभी भी मिसिंग। और फिर ये मामला फिर 2022 में बाहर आया, तो ट्रॉन्ग मिलान, उनके हस्बैंड जो कि हांगकांग में बिजनेस करते थे, उनके कुछ रिलेटिव्स, बैंक के कुछ एम्प्लॉयज, ऐसे करीब करीब 80-100 लोगों पर केस चले। केस शुरुआत में तो ढीली ढाली चल रही थी, लेकिन लोगों का प्रेशर था, लोगों ने तो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, रास्ते पे आ गए
कि बहुत सारा पैसा हमारा डूबा है, हम शांति से नहीं बैठ सकते। आप इमेजिन कर सकते हैं, एक छोटे से कंट्री जहां का जीडीपी 406 बिलियन डॉलर का है, वहां पर 44 बिलियन डॉलर यानी जीडीपी का लगभग 10% से ज्यादा का फ्रॉड हो जाता है। फ्रॉड बहुत बड़े लेवल पर किया गया है। तो पब्लिक से आते हुए प्रेशर को देखकर सरकार और कोर्ट ने जल्दी इस पर एक्शन लेना शुरू किया और 2 साल के अंदर इसका रिजल्ट लगाया। अब देखिए, इसमें कई सारे लोग आए, वहां पर जो एविडेंसेस थे वो कितने थे, उसका वेट किया गया तो लगभग 6,000 किलोग्राम, इतने एविडेंसेस आए। 200 लॉयर्स इनमें इन्वॉल्व थे और जो गवाही देने के लिए लोग आए उनकी संख्या थी 2700। बहुत बड़े लेवल पर ही हुआ और फिर फाइनली कोर्ट ने बता दिया कि ट्रोंग मिलान इसमें दोषी पाई जाती है और उनको सजाए मौत यहाँ पर दी जाती है। उनके हस्बैंड को करीब 9 साल की सजा हुई, बैंक के कई सारे एम्प्लॉयज उन्हें किसी को 2 साल 4 साल 10 साल इस तरह की सजाएं हुई, और 4 लोग ऐसे भी थे जिन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई। गवर्नमेंट अभी भी ट्राई कर रही है पैसा रिकवर करने के लिए, लेकिन इस 44 बिलियन डॉलर में से 27 बिलियन डॉलर अभी भी मिसिंग है, 2,16,000 करोड़ रुपए अभी भी मिसिंग है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये पैसा कभी मिल पाएगा? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के क्वालिटी वीडियोज़ आपको इस चैनल पर हमेशा मिलते रहेंगे और ये मेरी गारंटी है।